हम दे रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये जानकारी सामने आई है। दो घंटे करीब चली इंडिया गठबंधन की बैठक, बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तस्वीर दिल्ली से लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रिया सुले भी नजर आ रही है, और साथ ही इसमें राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, शरद पवार है और तेजस्वी यादव हैं। सभी विपक्ष के नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। खड़गे नजर आ रहे हैं, उनके आवास पर यह बैठक हुई थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी इस बैठक में मौजूद रहे। दो घंटे तक यह बैठक चली जिसमें चर्चा की गई थी, लंबी चर्चा हुई है। और क्योंकि इंडिया गठबंधन की अपने आप में बड़ी जीत थी, इसीलिए कहीं ना कहीं काफी खुशी देखने को मिल रही है। एक मंच पर पूरा विपक्ष आपको नजर आ रहा होगा और इस वक्त थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और ये बताया जाएगा कि आखिर इस बैठक में क्या क्या चर्चा की गई है और किस तरीके से जो अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के यहां पर पहुंचे हुए थे उनके साथ बातचीत की गई है और सरकार बनाने को लेकर उनकी उनकी क्या बात रही है, इस पर भी अभी कुछ ही समय में यहां से जानकारी दी जाएगी। जो गठबंधन के लीडर्स हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग दो घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया ब्लॉक thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision and we all together agreed on these points and we'll definitely whatever promises we have given to the people that we will keep it up and just I want to tell this. Thank you very much. तो इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है और बैठक खत्म होने के बाद सारे नेता एक साथ नजर आए हैं और अब आगे इस पूरी चीजों पर चर्चा चल रही है। फिलहाल हम रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ।